नरेंद्र मोदी जी से मैं बात कहना चाहता हूं और हुकूमत से बात कहना चाहता हूं, हमने जिस तरीके से हिंदुस्तान को सींचा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान को बनाया है, हिंदुस्तान को हम टूटने नहीं देंगे, हिंदुस्तान को बटने नहीं देंगे। यहाँ हमारा लहू शामिल है, यहाँ की कलकल में हमारी मोहब्बत समी हुई है, यहीं से यमुना बहती है, यहीं से गंगा बहती है, जहाँ से हिंदू भाई पवित्र होने जाता है, हमारा मुसलमान भाई वजू करता है, नमाज अदा करता है। यह है गंगी यमुनी तहजीब, जिसको हमारे हमारे जो श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्राइम मिनिस्टर जी समझ नहीं पा रहे हैं, गृह मंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं, उनको ये बात हजम कैसे हो रही है कि हिंदुस्तान में प्यार कैसे है, हिंदुस्तान में मोहब्बत कैसे है, हिंदुस्तान में आपस में लोग इतने मुश्किल इतने प्यार से रहते क्यों हैं। मैं एक शेर से इस बात को बताऊंगा, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन हमारा नहीं, ये चमन तुम्हारा नहीं, हमारा है। तो मैं सभी अपनी माओ का, अपनी बहनों का, अपने मीडिया के भाइयों का, जो हमारी आवाज को नेशनल इंटरनेशनल चीजों को बता रहे हैं। अभी बात पता चली थी कि लोग कह रहे हैं कि 500 रुपए में हमारी माए बहने आ रही हैं, कितने उनकी सोच पे लानत हम भेजते हैं, किस तरीके से वो लोग सोच रहे हैं, किस तरीके से उनकी ज़हनियत आप देख सकते हैं। हम चैलेंज करते हैं, आप आइए, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, अपनी माँ और बहनों को लेकर आइए। मैं संबित पात्रा को चैलेंज करता हूँ, आप आइए, अपनी बहन को लेकर आइए, अपनी माँ को लेकर आइए। जिस तरीके से हम अपनी माओ की रक्षा कर रहे हैं, अपनी माओ की सुरक्षा कर रहे हैं, इसी तरीके से हम आपकी करेंगे। हमने हिंदुस्तान की सुरक्षा करी है, हिंदुस्तान की कलकल की सुरक्षा करी है, हिंदुस्तान की एकता की सुरक्षा करी है, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी की सुरक्षा करी है, हिंदुस्तान की लोकतंत्र की सुरक्षा करी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया है, हमने इंडिया को सजाया है, हमने हिंदुस्तान को सजाया है, इसको मिटने नहीं देंगे। जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है, जब उसूलों पर बात आए तो टकराना भी जरूरी है। मैं अभी आप लोगों के सामने जोरदार नारे लगाऊंगा, आप लोगों के अंदर जोश आएगा, वलवल आएगा, इस तरीके से आप लोग जोरदार नारे लगाएं। हम क्या चाहते, जोर से बोलो, जोर से बोलो, हम लेके रहेंगे लहसुन लो मोदी, तुम कुछ भी कर लो, हम लेके रहेंगे हक हमारा, हक तुम्हारा, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम डट कर लेंगे, तुम कुछ भी कर लो, तुम पुलिस बुला लो, तुम जेल में डालो, तुम डंडे मारो, तुम कुछ भी कर लो, हम लेके रहेंगे। लंबी है, हमें बहुत सब्र से काम लेना है, और आवाज निकली है दूर तलक जाएगी, आवाज निकली है दूर तलक जाएगी, लड़ाई लंबी है, हमें बड़े सब्र से काम लेना है। अभी आज आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला सुन ही लिया होगा, किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया गया है। न्याय हम लोग वहीं से पूरा भरोसा करते थे, लेकिन आज भी आज शक होने लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं वही डीएनए, वही सावरकर वाला डीएनए क्या हमारे हिंदुस्तान को पूरी तरीके से हाईजेक कर चुका है। अगर हाईजेक कर रहा है तो करे, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, अगर पूरी जिंदगी इस तरीके से अगर सीए जैसा काला कानून वापस नहीं लिया गया, तो हम तमाम लोग अपनी माओ के साथ, अपनी बहनों के साथ हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, हिंदुस्तान की मोहब्बत को जाय होने नहीं देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया।